दरअसल ये मेरा मकसद ये है स्टूडियो खोलने का मुंबई में। दरअसल ये मैं अपना अगर बिजनेस करना रहता तो मैं अपना गोरखपुर में भी कर सकता था इस चीज़ को, पर मैं इस स्टूडियो को बिजनेस पर्पज से नहीं लिया हुआ हूँ। इस चीज़ को मैं मुंबई में इसलिए खोला हुआ हूँ क्योंकि जो कलाकार हैं, जो गांव देहात के जो अच्छे गाना गाते हैं, उन लोगों को बैकग्राउंड मतलब मजबूती नहीं है और उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो हमसे ऑनलाइन पे वो जुड़ सकते हैं और आके अपना प्रॉब्लम बता के हमसे भी अपना मदद ले सकते हैं। और दरअसल ये है कि ये आजकल भोजपुरी में दरअसल वल्गर गाना ज़्यादा निकल रही है मार्केट में, जो कि हमारी स्टूडियो से उस चीज़ को रिकॉर्डिंग नहीं करना है। ये रहे मेरे स्टूडियो से वही गाना रिलीज होंगे जो कि पारिवारिक टाइप के जो गाना होंगे कि जो 10 लोग के बीच में बैठ के सुना जा सके। और मुझे इस गाने को पुराने दर्शकों मतलब 90s जैसा जो गाना था, भोजपुरी हुआ चाहे हिंदी हुआ, मुझे उस लेवल में यहाँ से काम करना है। क्या बात है। और वल्गर गाना का तो दरअसल मेरी स्टूडियो से एकदम बैन है, मैं पहले ऑलरेडी ही बैन कर चुका हूँ। जितने राइटर हैं, जितने जो भी हैं, मेरे गुरु जी हैं राजेश मिश्रा सर जी, जो कि मैं उन्हीं से अपना ज़्यादा से गाना लिखवाता हूँ अपनी स्टूडियो के लिए, और मेरे गुरु हैं तो मुझे गलत राय तो वो देंगे नहीं। और दिक्कत ये है कि कई लोग ऊपर से अगर स्टूडियो पर अगर ज़्यादा वल्गर ना रिकॉर्डिंग किया जाए तो लोग दबाव डालते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, तो उनसे साफ यही है कि अगर वो वल्गर गाना रिकॉर्ड करके अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं, पर मुझे इस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने पैसा बहुत दिया है मुझे, मेरे घर में सब कोई है, गवर्नमेंट जॉब है, तो मुझे पैसे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मेरा लेवल अच्छे लेवल से चले। सारे गवर्नमेंट जॉब पे है तो फिर आपने ये लाइन क्यों चुना, क्या वजह था? क्या करूं सर, सारे गवर्नमेंट जॉब पे है, सर्विस में अच्छी सर्विस पे है, तो फिर आपने इस फील्ड में? दरअसल ये एकदम मज़ेदार स्टोरी है क्योंकि मैं हाई स्कूल किया हूँ इंटर से, हाई स्कूल किया हूँ मैं साइंस से, और मेरा इंटर है बायो से, और मेरा ग्रेजुएशन है कॉमर्स से। मेरे अंदर ये तीन आपको बताया हूँ फैक्ट, तो आपको इतना जान सकते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वही मैं करता हूँ। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत लॉकडाउन में कम से कम अपने जेब से कम बहुत पैसा खर्च कर गरीबों का मदद की है, शायद उन्हीं की दुआ भी है आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कुछ पैसे की दिक्कत नहीं हो रही है, हर एक कलाकार आके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद माँ बाप की दुआ है। तो यहाँ माँ बाप रहेंगे तो उनसे बड़ी भगवान कोई है नहीं धरती पर, अगर वो खुश रहेंगे तो भगवान को न भी पूजा किया जाए तो वो दिल में रहेंगे वो लोग, तो सबसे पहले तो माँ बाप हैं, और दरअसल ये उनकी दुआएँ हैं जो आज मुंबई में मैं हूँ। और दरअसल ये रहने की बात अलग, मेरा रुचि तो मेरे घर में सब कोई गवर्नमेंट जॉब है, मैं ये चाहता था कि मैं प्राइवेट, मेरा कोई भी एक प्राइवेट जाए, तो मैं प्राइवेट सेक्टर से अपना काम करना चाहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, आइए सर, आइए।